हाय एवरीवन, आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो कि हमारा गर्मियों का मौसम आ चुका है, तो हमारे पास अभी ये क्रॉम्पटन दिख रही है, जो कि ये टेबल फ़ैन नहीं है, वॉल फ़ैन है। इस तरीके के दो फ़ैन रिपेयर के लिए आए हैं और इसकी जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वह जाम हो चुके हैं और इनसे हमें हवा कम देखने के लिए मिल रही है और ये मूविंग भी नहीं कर रही। तो चलिए इन्हें हम फटाफट से खोल लेते हैं। तो इस तरीके से इसका बैक कवर खोल लेना है, पीछे का जो कि लॉक में फंसा होता है, कोई स्क्रू नहीं होती इसके अंदर। इन्हें खोलने के बाद में इसकी जो ये स्टेटर वाइंडिंग है और पीछे का जो गियरबॉक्स है, इनको यहाँ पर अलग करना है। तो इसे किस तरीके से अलग करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर चार स्क्रू होते हैं और एक गियरबॉक्स का नीचे का स्क्रू होता है, तो इन चार पांच स्क्रू को यहाँ पर खोल के अलग कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कुछ सीखना चाहते हो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। देखिए इस तरीके का आपने कोई भी पेचकस लेना है और उस पेचकस की मदद से आपने इस वॉल फैन को खोल लेना है, जो कि आपको मैंने बताया था इसमें चार स्क्रू लगे होते हैं और एक गियरबॉक्स में नीचे की पट्टी होती है, वहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी स्क्रूओं को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। तो इसकी वायरिंग और जो इसकी गियरबॉक्स की पट्टी है, इनको सभी स्क्रूओं को आपने बड़ी सावधानी पूर्वक संभाल कर रखना है और वायरिंग को संभाल कर अपने स्टेटर को या वाइंडिंग को, जो भी आप कहना चाहते हो, इसे सावधानी पूर्वक बाहर की और निकाल लेना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं वीडियो में आपको बताता हूँ मैं। देखिए सभी स्क्रू खोलने के बाद में भी आपने पेचकस को नीचे की ओर से लगाकर ऊपर की ओर उठाना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा। अभी मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ कर वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा ये दिक्कत दे रहा है, लेकिन हो सकता है आपको ये उतना दिक्कत ना दे। तो चलिए मैंने इसका स्टेटर और जो हमारी वाइंडिंग होती है रोटर से हम बॉडी से अलग कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे अलग कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो ऑयल है बुश के साथ लगा होता है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सूख चुका है, जिसके कारण इसके जो बुश है वो यहाँ पर जा चुके हैं और जाने के बाद में यहाँ पर ये जाम हो रहा है या फिर चल नहीं पा रहा है। तो चलिए देखिए इसके बुश में यहाँ पर कितना सारा गैप आ चुका है, जिसके कारण ये रनिंग में पकड़ रहा है या फिर गर्म होने के बाद में चल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देता है ये बुश जाने के बाद में। चलिए इसका जो यहाँ पर ये रोटर है, रोटर को यहाँ पर हम अलग कर लेते हैं। रोटर को किस तरीके से अलग कर लिया जाता है वो भी मैं बताऊँगा। देखिए ये इसका नीचे का बुश है, देखिए इसमें ज़रा सा भी मात्रा में ऑयल नहीं है और ये पूरी तरीके से सूख कर यहाँ पर इसका गैप बढ़ चुका है, जिसके कारण ये फ़ैन नहीं चल रहा है। तो चलिए किसी भी पेचकस की मदद से इसके लॉक निकाल लेना है आपने। तो चलिए इसके लॉक यहाँ पर मैं फटाफट से निकाल लेता हूँ और ज़्यादा समय ना गंवाते हुए फटाफट से इसके लॉक इसकी जो बुश है इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए हमें रोटर खोलने के लिए इसका जो सामने का फ़ैन है वो खोलना पड़ेगा। तो उसके आगे एक जो इस तरीके का लगा होता है उसे खोलना है और खोलने के बाद में फ़ैन निकल जाएगा। उसके बाद में भी यहाँ पर एक लॉक लगा होता है, उस लॉक को खोलने के बाद में इसका रोटर लेके लेगा। तो सभी खोलने के बाद में नीचे मैंने इसे रख दिया है। अब ये देखिए इसका लॉक जो है उसे प्लायर की मदद से यहाँ पर खोल देना है और संभाल कर रखना है, ताकि आपको लगाते समय कोई यहाँ पर परेशानी ना हो काम करने में। तो चलिए मैंने सभी पार्ट को यहाँ पर अलग अलग कर लिया है और देख सकते हो यहाँ पर इसका नीचे का बुश भी कितना यहाँ पर फैल चुका है, यानी कि इसमें प्ले आ चुका है। तो चलिए देखिए ये इसकी शॉप है, शॉप में ये इस तरीके से आपने देख लेना है। तो शॉप यहाँ पर इसकी मुझे लगभग थोड़ी अच्छी दिख रही, लेकिन इसकी शॉप अगर बुश में नहीं लगती है तो हम शॉप को भी बदल देंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसका बुश निकाल लिया है, आपको मैं दोनों बुश बता देता हूँ। देखिए दोनों बुश को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है और मेरे पास जो बुश थे उन बुश को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं आपको फटाफट से ये वर्क बता देता हूँ। अगर आपको मैंने दोनों बुश बता दिया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगे। बुश लगाने के पहले इसका जो लॉक होता है उस लॉक को प्लायर की मदद से यहाँ पर प्रेस कर देना है और इस तरीके से ऊपर से रख कर आपने किसी भी नोकीली चीज़ से यहाँ पर हैमर या किसी भी चीज़ से इसे ऊपर की ओर से ठोक देना है या फिर चोट देना है, जिसके कारण ये लॉक अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से कर रहा हूँ, आपको जो टेक्निक आती है उस टेक्निक से आप कर सकते हो। जैसे भी करें आपने इस लॉक को यहाँ पर लगा देना है। तो देखिए आपने यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम करना है, वरना आपको चोट लग सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं यहाँ पर लॉक को दबा रहा हूँ और मेरा जो यहाँ पर दूसरा दोस्त है वो अभी आया है, तो वो यहाँ पर इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से ऊपर की ओर से हैमर से चोट दे रहा है और यहाँ पर देखिए लॉक लगभग
हमारा फिक्स हो चुका है यानी कि लग चुका है। तो देखिए इस तरीके से लॉक लगाया जाता है और बुश को चेंज किया जाता है। बुश को चेंज करने के बाद में आपने इसमें ऑयल डाल देना है और इसे ऑयल में भिगाकर थोड़ी देर के लिए रखना है। तो देखिए हमने इसमें यहाँ पर लॉक लगा दिया है और ये इसका पुराना बुश है, नीचे का भी बुश इसी तरीके से होने वाला है। तो देखिए दोनों बुश को हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अभी अलग अलग कलर में ये बुश है तो आप कमेंट में वो मत पूछिएगा। तो चलिए हमने बुश को डालने के बाद में नीचे का बुश हमने लगा दिया है और ऊपर का बुश भी लगा दिया है और इसमें आइलिंग भी हमने कर दी है बुशों में। तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ भी प्ले नहीं है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्री घूम रहा है, यानी कि हमारा फैन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से घूमने वाला है। तो चलिए इसका जो स्टेटर है उस स्टेटर को हम यहाँ पर अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों बुश को लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से गेयरबॉक्स के ऊपर वायरिंग होती है और वायरिंग के जो कवर होता है उस कवर में स्टेटर फंसा होता है। तो नीचे के जो कवर में हमने स्टेटर को रोटर के साथ फंसा लेना है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके अंदर आयल भी डाल देना है। और आयल डालना भूल गए थे हम अभी, तो होता है कभी कभी क्योंकि बहुत सारी काम का सर में खिचड़ी पकता है तो ऐसा होता है। अभी हमने इसमें वाइसर लगाना भी लगाना बाकी है, तो देखते हैं बगैर वाइसर के ये आता है क्या। तो वाइसर लगाया नहीं हमने, तो हमें अभी इसमें वाइसर लगाना पड़ेगा क्योंकि बगैर वाइसर का एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इसे फोर स्क्रू की मदद से कस के देखते हैं क्या ये फिक्स होता है या नहीं होता है। अगर फिक्स होता है तो ठीक है, नहीं फिक्स होता है तो हमें इसे दोबारा खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसके सभी स्क्रूओं को हम यहाँ पर लगा लेते हैं और देखते हैं क्या इसमें प्ले आता है या नहीं। तो मैं पेचकस की मदद से इसे फिक्स कर देता हूँ, आपने भी इसी तरीके से करना है और बहुत ही कम खर्चे में आपका ये हो जाएगा। आप अगर खुद करोगे, अगर दुकानदार के पास जाओगे तो आपको इसका 400 से 500 रुपए खर्चा आ सकता है क्योंकि वहाँ पर उनकी मेहनत होती है और इसका सामान भी डालना होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिक्स करना है, फिक्स करने के बाद में देखेंगे हम यहाँ पर ये फ्री है या नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसमें बहुत सारा गैप आ चुका है तो हमें इसमें वाइसर डालना पड़ेगा। तो देखिए हमने इसमें वाइसर यहाँ पर डाल दिए हैं ऊपर नीचे से, आपने जिस तरीके से एडजस्ट हो उस तरीके से आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर वाइसर डाल देना है। तो मुझे यहाँ पर जैसा ठीक लगे उस तरीके से मैंने इसमें वाइसर डाल दिए है। और वाइसर डालने के बाद में इसका जो वाइंडिंग का स्टेटर है ऊपर के गियर बॉक्स के कवर के साथ नीचे के गियर बॉक्स के कवर से मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, जो कि मैंने पहले ही इसमें रोटर वाइसर को डालकर इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो देखिए अब हमने जैसे इसमें स्क्रू खोले थे उन्हीं चारों स्क्रूओं को यहाँ पर इंस्टॉल कर देना है। चलिए मैं फटाफट से सभी स्क्रूओं को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते हो, ज़रा सा भी स्किप किए, तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है इसमें। ये जो आप दुकानदार को जो भी पैसा देने वाले हो वो पैसा आप बचा सकते हो और एक कारागिर भी यहाँ पर बन सकते हो वीडियो को बिना स्किप किए देखते हो। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ पर फैन को फुल्ली फिट कर लिया है, अभी जो थोड़ा बहुत यहाँ पर कसना बाकी था तो एक और हाथ में इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो चलिए सभी स्क्रूओं को मैं यहाँ पर कस लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी यहाँ पर मैं अकेला हूँ तो मोबाइल को मैंने एक हाथ में पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से मैं ये कस रहा हूँ। अभी कसने के बाद में हम यहाँ पर इसे घुमाकर देखेंगे। तो चलिए अभी इसमें 220 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। उसके पहले आपको यहाँ पर देखना है इसके चारों स्क्रू और इसका जो फैन है यहाँ पर फ्री है या नहीं, इसका स्टेटर अच्छे से मैच हुआ है या नहीं, जो इसका गेयरबॉक्स है नीचे का जिसकी जो मूविंग की जो पट्टी होती है गेयरबॉक्स के साथ लगी हुई वो यहाँ पर अच्छे से प्रॉपर लगी है या नहीं लगी है, उसको अच्छे से कसा है या नहीं, ये सभी देखने के बाद में ही अपने इसके ऊपर का कवर लगा लेना है। और जो इसका जो मूविंग का ये इसका 220 वोल्ट का वायर है, तो चलिए इसको बाजू में कर देता हूँ। और ये इसका कवर है तो इसको लगाने से पहले आपने ये देखिए ये 220 वोल्ट का वायर इसे बाजू में कर देते हैं, दोबारा यही मेरे हाथ में आ गया है। तो ये देखिए ये बताना चाह रहा था मैं आपको, ये जो है इसका क्लच का वायर, इसका जो वायर है ये यहाँ पर मूविंग के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पर आपने इसे अच्छे से आयल पानी करके लगा देना है, जब भी ये काम करे तो काम में काम कर लेना है। और इसकी वायरिंग को यहाँ पर अच्छे से इस लॉक में फिक्स कर देना है और नीचे से इसे बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेना है ताकि यहाँ पर कोई भी वायरिंग का प्रॉब्लम इश्यू आगे चल कर ना बने। तो देखिए ये इसमें जो इसका वायर होता है लगा लेना है और यहाँ पर ये धार है, इस धार में से लेकर यहाँ पर इसे फिक्स कर देना है। उसको करने से पहले आपने इसके अंदर आयल ज़रूर डालना है। आयल डालने से क्या होता है, यहाँ पर इसकी मूवमेंट जो है वो अच्छी बनी रहती है
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसे प्रॉपर फिक्स कर लिया है। अब इसकी जो नीचे की मूवमेंट की जो कड़ी है उसे लगा लेना है स्क्रू की मदद से। तो देखिए हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और जो हमारा फ़ैन की यहाँ पर शॉपट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी। चलिए इसके ऊपर से हम इसका फ़ैन और सभी को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आपको बताते हैं। तो देखिए दोबारा शॉप के पास एक लॉक होता है, वो लॉक को आपने लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका जो फ़ैन है वो पीछे की ओर जाएगा। फ़ैन लगाने के बाद में ऊपर का जो इसका नट होता है उसको आपने उल्टा घुमाना होता है। उल्टा घुमाएंगे तो ये टाइट होगा और सीधा घुमाएंगे तो ये निकल जाएगा। तो चलिए इसे उल्टा घुमाकर यहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट करना है वरना आपका फ़ैन यहाँ पर दुकान का निकल सकता है। देखिए हमने यहाँ पर इसे फिक्स कर दिया है। अब ये इसकी जाली का यहाँ पर स्क्रू खोल लेते हैं और इसकी जाली को ऊपर से लगा देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर नट को ढीला कर लिया है और इसकी जो ऊपर की सेफ्टी जाली होती है, नेट होती है, उसे यहाँ पर इस तरीके से माउंट कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से इसके रिंग में फंसा लेना है और ऊपर से जो इसका स्क्रू है उसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। इतना भी टाइट नहीं करना है कि टूट जाए। तो देखिए फ़ैन में हमने सप्लाई दे दिया, हमारा फ़ैन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करने लगा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह का टॉपिक लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सभी करने के बाद में मुझे यहाँ पर इस फैन से थोड़ी बहुत हवा कम देखने के लिए मिली है। तो मैंने इसका तुरंत जो कि 3.5 का कैपेसिटर था, लेकिन 3.5 का कैपेसिटर कंपनी से आता है, हमारे पास यहाँ पर 2.5 का कैपेसिटर था, तो 2.5 के कैपेसिटर को हमने यहाँ पर लगा दिया है। लगा देते ही देखिए इस फैन से हमें बहुत ही अच्छी हवा मिल रही है। अगले वीडियो पे लाइक करना ना भूले और वीडियो कैसा लगा आपको प्यारा सा कमेंट करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले दोस्तों।